नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। भूगोल वन लाइन श्रृंखला का यह 15वां पार्ट है और आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ऐसे प्रश्न जो कि आगामी रेलवे ग्रुप डी और रेलवे का जो एएलपी एग्जाम है इसमें पूछ जाने की इसकी संभावना, इसके अलावा एसएससी और पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो विश्व के भूगोल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके पहले हमारे वन लाइनर सीरीज में ही 14 पार्ट आ चुके हैं जो कि भारत के भूगोल संबंधित थे, तो अगर आपने पिछले पार्ट्स को मिस किया हो तो जरूर देखिए। और आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व भूगोल से, माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? तो वो है माउंट केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन नाम से जाना जाता है। तो माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो है वो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर हम लक्षद्वीप में उपस्थित सभी द्वीपों की बात करें तो उसमें से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो वो है आंड्रोट। आंड्रोट जो है वो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? जो नदियां अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बांध बनाती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इनको लेवीज या तटबंध कहा जाता है। तटबंध क्या होते हैं? कि जो नदियों द्वारा प्राकृतिक रूप से बांध बनाए जाते हैं जिसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है, तो ऐसे बांधों को क्या कहता है? तटबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। और नदियों की सहायक नदियों से क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, कौन सी नदी किससे किसकी सहायक नदी है, तो जो तवा नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सकरी गहरी तथा तीव्र ढाल वाले किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ऐसी नदी घाटी जो कि सकरी हो, गहरी हो और उसके जो ढाल हैं वो तीव्र हो, तो ऐसे जो नदी घाटी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ऐसी नदी घाटी को हम कैनियन नाम से जानते हैं। ऐसी घाटी को क्या कहा जाता है? कैनियन। तो अगर सपोज क्वेश्चन आता है कि कैनियन क्या है, तो कैनियन एक सकरी गहरी तथा तीव्र ढाल वाले किनारों वाली नदी घाटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? जो भी भूमध्य रेखा के अंतर्गत आने वाले प्रदेश हैं वहां पर जो वर्षा होती है वो किस तरह की वर्षा होती है? तो वर्षा के कई प्रकार होते हैं, चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। तो इसमें जो भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्षा होती है वो संवहनी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? ऐसा भारतीय राज्य जो कि समुद्र में उत्पादित होने वाले वस्तुओं को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, तो ऐसा जो भारतीय राज्य है वो है केरल। केरल से समुद्री उत्पादों का सबसे अधिक निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। तो 22 दिसंबर का जो दिन है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? जो भारतीय मानक समय है वो किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो ये इलाहाबाद के निकट जो नैनी स्थान है वहां के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो भारतीय जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है और वहीं का जो समय है वो मानक समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? जो दक्षिण अमेरिका है, महाद्वीप है, इस महाद्वीप का सबसे जो बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? तो वो है ब्राजील। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित निम्न वायुदाब की पेटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसी जो पेटियां जो कि भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र में निम्न वायुदाब की हैं उनको डोलड्रम कहा जाता है। तो डोलड्रम जो है वो भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित निम्न वायुदाब की पेटियां हैं। नेक्स्ट है,
भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा कितनी होती है। जो भूमध्य रेखा क्षेत्र है वहां पर सूर्य तप की कितनी मात्रा प्राप्त होती है, कंपैरिजन टू जो भी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इन सभी रेखाओं की अपेक्षा या ध्रुवों की अपेक्षा जो भूमध्य रेखा के क्षेत्र है वहां पर सूर्य ताप की मात्रा क्या होती है, तो वो होती है दोनों ध्रुवों की तुलना में 4 गुनी। जितना सूर्य का ताप ध्रुवों पर होगा, दोनों ध्रुवों पर होगा, उससे 4 गुना ताप भूमध्य रेखा पर होता है। तो जो सूर्य का ताप है वो ध्रुवों की तुलना में 4 गुना अधिक पाया जाता है। कहां पर? भूमध्य रेखा में। नेक्स्ट है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो टाइफून नामक जो चक्रवात है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है चीन सागर। चीन सागर का जो क्षेत्र है वो टाइफून नामक चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति किस स्थान से हुई थी? तो नाइट्रेट की जो प्राप्ति हुई वो सबसे पहले चिली के पठार से हुई। चिली के पठार में सबसे पहले नाइट्रेट प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है, माओरी जनजाति का निवास किस क्षेत्र में होता है या कहां पर पाया जाता है? तो माओरी जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड में माओरी नाम की जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप जो है वो एशिया को कहा जाता है। जो एशिया महाद्वीप है वो महाद्वीपों का महाद्वीप है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ जो ग्रह है वो कौन सा है? तो वो है यूरेनस। यूरेनस जो है वो गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। नेक्स्ट है, वह कौन सी वायुमंडल परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है? तो ऊंचाई के साथ तापमान में जो वृद्धि अंकित की जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में अंकित की जाती है। नेक्स्ट है, चमत्कारिक फसल के रूप में किसे जाना जाता है? ये चमत्कारिक फसल एक उपनाम है, तो किस फसल को चमत्कारिक फसल कहा जाता है? तो चमत्कारिक फसल सोयाबीन को कहा जाता है। सोयाबीन जो है वो चमत्कारिक फसल के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? ऐसा कौन सा विद्वान था जो जिसने सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार बताया और कहा कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि जो पृथ्वी है उसका आकार गोल है। नेक्स्ट है, एशिया के किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो एशिया के जो इंडोनेशिया देश है उसकी तटरेखा सबसे लंबी है और इसकी जो तटरेखा है वो लगभग 55,000 किलोमीटर है। तो 55,000 किलोमीटर की तटरेखा के साथ जो इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश है। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है? जो जोजिला दर्रा है वो किनको उनको आपस में जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा ले एवं श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। ले और श्रीनगर को आपस में जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है जोजिला। नेक्स्ट है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये तीनों जो जलाशय हैं इनका निर्माण एक ही नदी पर किया गया है, चाहे वो जवाहर सागर हो, राणा प्रताप सागर हो, गांधी सागर हो, तो इन सभी जलाशयों का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। तो पर्टिकुलर अगर सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है कि राणा प्रताप सागर कहाँ पर है, तो वो भी चंबल नदी पर ही बना हुआ है। ये तीनों जो जलाशय हैं ये चंबल नदी पर निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रति चक्रवातों की उपस्थिति किस मौसम में पाई जाती है? भारत में प्रति चक्रवातों की जो उपस्थिति है वो किस मौसम में पाई जाती है? तो ये शीतकाल में पाई जाती है। शीतकाल में भारत में सबसे अधिक चक्रवात प्रति चक्रवात पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? जो रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय हैं ये किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये सभी वलित पर्वत हैं। चाहे वो रॉकीज हो, एंडीज हो, एटलस हो या भारत का हिमालय हो, ये सभी जो पर्वत हैं वो वलित प्रकार के पर्वत हैं। इनकी जो ये इनका जो ग्रुप है वो वलित पर्वत का ग्रुप है। और पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं। इसको हमने जब भारत अपना विश्व का भूगोल
भूगोल श्रृंखला जो थी उसमें हमने जो पर्वतों की चर्चा की थी वहां पर इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? जो नवीन जलोढ़ मृदा है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको खादर नाम से जाना जाता है। जो नवीन जलोढ़ है इसको हम खादर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक की यात्रा की थी? सबसे पहले मार्को पोलो ने भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो भारत में वाणिज्यिक रूप से ऊर्जा यूज की जाती है उसका सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो सबसे अधिक भारत में वाणिज्यिक रूप से कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? जो ओजोन परत है वो मुख्यतः किस मंडल में स्थित है? तो जो ओजोन परत है वो मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल कहा जाता है, वहां पर स्थित है। तो ओजोन परत से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि ये किस मंडल में पाई जाती है। तो वायुमंडल का जो स्ट्रेटोस्फीयर क्षेत्र है वहां पर सबसे मुख्य रूप से ओजोन परत पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? जो भी ग्रह हैं उनमें से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा, और उसको कई तरीके से डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि पृथ्वी और शुक्र के जो नेचुरल चीजें उसमें समानता है, इस वजह से इसको पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस खनिज को जुड़वा खनिज कहा जाता है? जो भी खनिज हैं खनिजों में जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो खनिजों में जुड़वा खनिज सीसा और जस्ता को कहा जाता है। सीसा और जस्ता है ये आपस में जुड़वा खनिज कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इसको जो आंसर है वो है आंड्रोट। आंड्रोट जो है वो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ऐसा देश जो कपास का सबसे अधिक निर्यात करता है, तो ऐसा जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने यहाँ से उत्पादित अधिकांश कपास को दूसरे देशों को निर्यात करता है। तो सबसे अधिक जो निर्यातक देश है कपास का वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर शामिल होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग को इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाभ उठा सकें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको इजीली अवेलेबल हो सके। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो इजीली अवेलेबल हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।